नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस छात्रों के लिए बिगेस्ट अपडेट यहां पर निकल के आ रही है। एक बार फिर से अप्रेंटिसशिप के नियम में बड़ा बदलाव किया गया है, और ये जो बदलाव किया गया है ना, उसमें सभी छात्रों को इसके रिगार्डिंग जो भी क्रिटेरिया बोला गया है, जो हम आपको वीडियो के आगे डिटेल से बताने वाले हैं, सभी छात्र को ये क्रिटेरिया करने हैं। और खासकर जितने भी छात्र नए अप्रेंटिस के रूप में यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, चाहे वो रेलवे अप्रेंटिसशिप हो, DRDO अप्रेंटिसशिप हो, सेल हो, भेल हो, कोल हो, ऑल ओवर इंडिया से जितने भी अप्रेंटिसशिप निकलते हैं, जितने भी का कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, ठीक है, सभी छात्रों का ये जो नियम है जो अब यहाँ पे लागू किया गया है 1 अप्रैल 2024 के डेट से, उस नियम का पालन करना है तो ही आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। और खासकर रेलवे वाले कैंडिडेट बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि रेलवे से जुड़े इसके साथ साथ ITI पास जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है, सारा का सारा इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर किया जाता है। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि MST मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के तरफ से हर बार अप्रेंटिसशिप को लेकर कुछ ना कुछ बदलाव, कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ ना कुछ नया नया इंप्लीमेंट जो है यहां पे किया जाता है, जिसमें कई बार जो है सरकार यहां पे फेल हो जाती है। अभी तक अप्रेंटिसशिप को लेकर जितना भी यहां पे नियम लाया गया, बहुत कम ही नियम ऐसा है जिसमें सरकार को सक्सेस मिली। अधिकांश जो नियम है उसमें सरकार यहां पे फेलियर साबित हुई दिखी, ठीक है। जिसमें सबसे बड़ा एग्जांपल आपके सामने है DBT का। बहुत सारे कैंडिडेट DBT के बारे में नहीं जानते होंगे, जिन्होंने अभी अप्रेंटिस ज्वाइन नहीं किया होगा, ठीक है। हालांकि अभी DBT का प्रोसेस को हटा दिया गया है, तो DBT के बारे में थोड़ा सा आपको पहले यहां पे बता देना चाहेंगे। तो DBT आपका जून 2022 में एक प्रोसेस शुरू किया गया था। DBT है क्या, सिंपल और साफ शब्द में सुन लीजिए कि जो आपका सैलरी आता है उसमें से आपका कुछ अमाउंट को काटकर सरकार के द्वारा आपके अकाउंट में भेजा जाता है, उसे ही DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के नाम से जाना जाता था। हालांकि ये जो नियम है DBT का, सरकार क्यों इसे लाई, अभी तक इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं आया है। पर मेरे अनुसार ये जो नियम है सरकार को लाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि इस नियम में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो छात्र हैं, अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट हैं, उनका यहाँ पे लॉस हुआ है और बाकी सबको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। कैसे, उसके रिगार्डिंग में हम आपको बता देते हैं। सपोज यहाँ पे मानते हैं कि कोई भी छात्र किसी भी विभाग से अप्रेंटिसशिप कर रहा है, मान लीजिए वो रेलवे से ही अप्रेंटिसशिप कर रहा है, और उसको स्टाइपेंड के तौर पे, हालांकि रेलवे में पहले से स्टाइपेंड कम रहता है, उनको स्टाइपेंड के तौर पे यहां पे दिया जा रहा है भैया 8,000 रुपए, ठीक है। 8,000 रुपए हम उनको स्टाइपेंड के तौर पर दे रहे हैं, और इसका भी 25% अगर हम काट लें, सरकार ये बोल रही है कि रेलवे आपको 75% देगा और हम, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको 25% देगी, तो सोच लीजिए 8,000 में से आपका 6,500 रुपए डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाता था, और 1,500 रुपए जो है वो आपको सरकार के द्वारा भेजा जाने का वादा किया गया था, परंतु इसमें सरकार विफल हो गई, ठीक है। इसमें सरकार को सक्सेस नहीं मिला, और अभी प्रेजेंट टाइम में ऐसे हजारों रेलवे अप्रेंटिस कैंडिडेट है जिनका DBT का पैसा जो है अभी सरकार के पास फंसा हुआ है। सपोज मानते हैं कि एक साल में रेलवे 45,000 से 50,000 अप्रेंटिस भर्ती निकालती है। हम मान के चलते हैं कि 50,000 एक साल में रेलवे अप्रेंटिस भर्ती निकला, और एक कैंडिडेट का एक महीने का जो DBT पैसा हो गया वो 1,500 हुआ। अब इसको 1,500 के जब 12 से हम गुना कर देंगे तो लगभग आपका यहाँ पे 18,000 रुपए होगा। मतलब एक कैंडिडेट का 18,000 रुपया DBT में फंसा हुआ है। तो सोच लीजिए एक साल में 50,000 से ज्यादा यहाँ पे एक्ट अप्रेंटिस स्टूडेंट रेलवे से ट्रेनिंग करते हैं, तो कितना पैसा हो गया, करोड़ों के नंबर में जो आपका DBT का पैसा है वो छात्रों का फंसा हुआ है। इसीलिए सरकार इस प्रोसेस को बंद कर दी। DBT का अब यहाँ पे DBT लागू नहीं होता है। DBT के जगह पे एक नया नियम लाया गया। वो नया नियम क्या है, आधार बेस सिस्टम, ठीक है, कि हम आपको DBT से हटाकर आधार बेस सिस्टम से आपका जो स्टाइपेंड है आपको देंगे। उसके बारे में हम आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं। और जितने भी कैंडिडेट नया तौर पर रेलवे अप्रेंटिस ज्वाइन करेंगे या फिर किसी भी विभाग में अप्रेंटिस ज्वाइन करने वाले हैं, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो देखिए, इसके रिगार्डिंग यहाँ पे एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको मार्च में ही पब्लिक किया गया था, ठीक है। मार्च में ही आपका MSD के तरफ से आया था, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के आया था, जो आपका जितने भी संस्थान अप्रेंटिसशिप करवाते हैं उन सभी संस्थान के ट्रेनिंग डिवीजन में ये नोटिस को सर्कुलेट किया गया था। इसमें आपका बेसिकली बोला गया है कि NAPS 2
जीरो के तहत 2.0 के तहत आधार बेस सिस्टम को यहाँ पे अपनाया गया है छात्रों का स्टाइपेंड देने के लिए। अब देखते हैं कि सरकार को इसमें सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो तो बात की बात है। अभी इस नया नियम को यहाँ पे इंप्लीमेंट 1 अप्रैल 2024 के डेट से यहाँ पे होने वाला है, इसके बारे में बात करेंगे। सब्जेक्ट में देखिए कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी अंडर नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम 2 नैप्स 2 आधार सीडिंग रिगार्डिंग, ठीक है। तो देखिए जो मोटा मोटी इसमें बात बताया गया, सिंपल शब्दों में आपको यहाँ पे बता देते हैं कि सबसे पहले आपको यहाँ पे एक बेनिफिशियरी आईडी क्रिएट करना होगा। जिस तरह आप अपना प्रोफाइल में केवाईसी करते हैं, ठीक है, जिस तरह आप अपना प्रोफाइल में यहाँ पे बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल ऐड करते हैं, टेक्निकल क्वालिफिकेशन डिटेल ऐड करते हैं, उसी तरह अब आपको यहाँ पे बेनिफिशियरी आईडी का एक ऑप्शन मिलेगा, उस आईडी को आपको क्रिएट करना है, ठीक है। आपका सवाल हो सकता है कि सर वो कैसे होगा, उसके रिगार्डिंग भी बात करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म बताया गया है जिसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। टर्म बोला गया है कि देखिए डीबीटी जो है वो आपका इंडिया रोल आउट हो गया था 1 जुलाई 2023 को, पूरे मतलब सार्वजनिक तौर पर यहाँ पे डीबीटी को लागू किया गया था, ठीक है। पर इसमें सक्सेस नहीं मिलने के कारण, इसमें जो सक्सेस का रेशियो था बहुत कम होने के कारण डीबीटी को यहां पे कैंसल कर दिया गया। अब डीबीटी के बाद यहां पे लाया गया आपका एबीपी, ठीक है, एपीबी सिस्टम। इसमें क्या बोला गया है कि आधार पेमेंट ब्रिज, इस सिस्टम के माध्यम से क्या होगा कि जितने भी कैंडिडेट अप्रेंटिस कर रहे हैं उनका बैंक अकाउंट होना चाहिए और उनका बैंक अकाउंट जो है उनके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। ये मस्ट है, ये सभी कैंडिडेट को करना है। आपके जितने भी बैंक अकाउंट है, जितने भी बैंक में खाते हैं, सभी में आपका आधार लिंक हो जाना चाहिए आपके अकाउंट से। पहला नंबर ये काम सभी छात्रों को कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहां पे जो कैंडिडेट 1 अप्रैल 2024 के बाद नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे उनके लिए यहां पे बेनिफिशियरी आईडी का एक प्रावधान लाया गया है। वो क्या है तो देखिए आप एक एक स्टेप करके सारा कुछ आपको बताएंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1/4/2024 ऑल न्यू कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी अंडर द नैप्स मस्ट हैव देयर आधार नंबर सीडिंग विद ए बैंक अकाउंट। तो सबसे पहला यहां पे बोला जा रहा है कि 1 अप्रैल 2024 के बाद से जितने भी कैंडिडेट का कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा उनका यहां पे आधार सीडिंग होना चाहिए उनके बैंक के साथ। मतलब सीधी सी बात है कि आपका बैंक अकाउंट और आपका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, ठीक है, पहला। दूसरा बोला जा रहा है कि बैंक अकाउंट ऑफ द कैंडिडेट हैज टू बी सेविंग जनरल जनधन अकाउंट इज एनी शेड्यूल कमर्शियल बैंक, पेमेंट बैंक, रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। तो इसमें बोला जा रहा है कि जिस बैंक में आपका खाता है कौन कौन सा खाता का प्रकार चलेगा। तो अगर आपका सेविंग अकाउंट है चाहे किसी भी बैंक में हो, जनरल खाता है वो चलेगा, जनधन खाता है वो भी चलेगा, पेमेंट बैंक का कोई खाता है वो भी चलेगा, और आपका आरआरबी जैसे रीजनल रूरल बैंक का खाता है वो भी चलेगा। परंतु इसमें आपका करेंट अकाउंट और लोन अकाउंट वाला अकाउंट नहीं चलेगा, इस बात का ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट बोला जा रहा कि कैंडिडेट रजिस्टरिंग ऑन द अप्रेंटिस पोर्टल फॉर द फर्स्ट टाइम विल अंडरगो मैंडेटरी ई केवाईसी थ्रू द पोर्टल। जब आप फर्स्ट टाइम अप्रेंटिस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करिएगा तो आपको ई केवाईसी करना मैंडेटरी है, ठीक है, ई केवाईसी आपका होना चाहिए किसी भी कीमत पे। उसके बाद बोला जा रहा कि पोस्ट ई केवाईसी कैंडिडेट इंफॉर्मेशन विल बी फॉरवर्डेड टू द पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम पीएमएफएस फॉर द जनरेशन ऑफ ए बेनिफिशियरी आईडी बेस्ड ऑन आधार। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो आप लोगों को समझना है, ठीक है। तो यहां पे आपको सबसे पहले बोला जा रहा है कि जितने भी कैंडिडेट अप्रेंटिस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करेंगे उनको यहां पे केवाईसी करना मस्ट है, बिना केवाईसी का आपका यहां पे अप्रेंटिस कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट क्या मतलब, कोई भी क्रियाकलाप आपका बिना केवाईसी किए हुए नहीं हो सकता है। उसके बाद जो भी आप डेटा दोगे, जो भी केवाईसी के थ्रू आधार कार्ड के थ्रू आप डेटा दोगे, आपका डेटा कहां पे जाएगा, तो आपका डेटा चला जाएगा पीएमएफएस। कहां पे है भैया वो, तो पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम PMFS के पास आपका डेटा को ट्रांसफर कर दिया जाएगा और यही PMFS आपका बेनिफिशियरी आईडी को यहां पे आप लोगों के लिए क्रिएट करेगा, ठीक है। बेनिफिशियरी आईडी कौन देगा आप लोगों को, PMFS। बेनिफिशियरी आईडी का ऑप्शन कहां मिलेगा, तो आपको मिलेगा नैप्स पोर्टल पे, ठीक है। आपका जो लॉगिन हुआ होगा, लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे एक बेनिफिशियरी आईडी का ऑप्शन मिलेगा और वहां पे आपको देखिएगा पेंडिंग लिखा होगा। देखिए इसके लिए आपको स्पेशल कुछ नहीं करना है, केवाईसी कर देना है, बैंक अकाउंट ऐड कर देना है, अपना एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन ऐड कर देना है, डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है, बस। और ये जो
बेनिफिशियरी आईडी क्रिएशन का काम है वो आपका पीएमएफएस करेगा, ठीक है ना। तो कौन? पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम पीएमएफएस आपका ये कार्य करेगा, ठीक है। अभी बहुत सारे कैंडिडेट का पेंडिंग शो हो रहा है, तो देखिए आज ही के डेट से 1 अप्रैल 2024 के डेट से ये नियम को लागू किया गया है। अब एक बार सोच लीजिए, यहाँ पे लाखों कैंडिडेट का बेनिफिशियरी आईडी क्रिएट करना होगा, तो एक दिन में तो पॉसिबल है नहीं, दो दिन में तो पॉसिबल है नहीं, तो धीरे धीरे करके सभी छात्रों का एक एक करके बेनिफिशियरी आईडी उनको प्रोवाइड किया जाएगा। तो जिनका पेंडिंग शो हो रहा बिल्कुल भी परेशान मत होइए, वेट करिए, आपका भी बेनिफिशियरी आईडी आपको जरूर से जरूर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे क्या बोला जा रहा, ध्यान दीजिए। इन केस वेयर बेनिफिशियरी आईडी इज नॉट क्रिएटेड बेस्ड ऑन आधार, अगर किसी कारणवश आपका बेनिफिशियरी आईडी क्रिएट नहीं हो पाया, एंड इफ अप्रेंटिस कॉन्ट्रैक्ट इज जनरेटेड, और आपका अप्रेंटिस कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हो गया, ठीक है, पोर्टल विल बी प्रोवाइडेड द कैंडिडेट विद ए डिस्क्लेमर एडवाइजर टू कंप्लीट द आधार सीडिंग प्रोसेस। तो आपको यहां पे एक सलाह दिया जा रहा है कि आप सबसे पहले आधार सीडिंग प्रोसेस का काम करिए। आधार सीडिंग प्रोसेस क्या है कि जिस बैंक में आपका खाता है वहां से आपका आधार लिंक होना चाहिए, यही है बैंक सीडिंग प्रोसेस। तो ये प्रोसेस को आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे कैंडिडेट जिनका पहले से ट्रेनिंग चल रहा है उनको क्या करना है, तो उनको कुछ ज्यादा नहीं करना है। यहाँ पे बताया गया है कि अप्रेंटिस हु आर प्रेजेंटली अंडरगो ट्रेनिंग अंडर नैप्स विल कंपल्सरी सीड देयर आधार नंबर विथ बैंक अकाउंट इमीडिएट ऑन और बिफोर पेमेंट डेट इज नॉट डन, ठीक है। तो यहां पे बोला जा रहा है कि जितने भी कैंडिडेट अभी प्रेजेंट टाइम में अप्रेंटिस कर रहे हैं उनको सबसे पहले आपका बैंक अकाउंट और आधार कार्ड को लिंक करा लेना है। जब तक आप लिंक नहीं कराइएगा तो अगले मंथ से आपका जो स्टाइपेंड है आपको नहीं मिलेगा, लिंक कराइएगा तो ही मिलेगा, ठीक है। और इसके लिए आपका जो रिस्पॉन्सिबल है वो इस्टैब्लिशमेंट भी होगा, तो इस्टैब्लिशमेंट भी बच्चों लोग को जागरूक करे कि आपको अपना बैंक अकाउंट और आधार कार्ड को लिंक कर लेना है। उसके बाद टू अवॉइड एनी पेमेंट ऑफ GOI शेयर टू स्टाइपेंड ऑफ दिस अप्रेंटिस एस्टैब्लिशमेंट देयरफॉर हैव टू एंश्योर दैट, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी कारणवश आपका जो पेमेंट है वो नहीं आ पाया, तो इन सभी में से एक कारण हो सकता है जो आपको यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो बस ये छोटी सी जानकारी थी, परंतु आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जितने भी कैंडिडेट का इस बार आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा सभी, देखिए सिंपल शब्द में हम आपको बता देते हैं कि पहला नंबर में आपको EKYC आपको अपना कर लेना है, ठीक है। दूसरा नंबर में आपको अपना आधार कार्ड प्लस बैंक अकाउंट में जितने भी खाते होंगे उनको लिंक कर लेना है आधार से। तीसरा नंबर में जो आप अप्रेंटिस पोर्टल पे आपको अपना सही सही सारा कुछ जानकारी देना है। उसके बाद आपको आपका जो है बेनिफिशियरी आईडी जो पेंडिंग शो होगा, अभी सभी कैंडिडेट का मैक्सिमम कैंडिडेट का पेंडिंग शो हो रहा है, तो धीरे धीरे करके सभी कैंडिडेट का बेनिफिशियरी आईडी मिलने लगेगा, और जैसे आईडी आपका क्रिएट हो जाएगा उसके बाद आपका अप्रेंटिस पोर्टल पे कॉन्ट्रैक्ट आपका जनरेट होगा, तो ही आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। तो ये जानकारी सभी कैंडिडेट को होना चाहिए, वीडियो को सभी छात्रों तक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं रेलवे अप्रेंटिस में उनका सिलेक्शन हो गया, अप्रेंटिसशिप के लिए जा रहे हैं, पर उनका कॉन्ट्रैक्ट ही जनरेट नहीं हो पा रहा है। तो मेन इशू जो है कॉन्ट्रैक्ट जनरेट ना होने का, वो आपका बेनिफिशियरी आईडी है, क्योंकि जब तक आपका पेंडिंग शो होगा तब तक आपका बहुत मुश्किल होगा कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होने में, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, और ये सभी नियम आपको फॉलो करना है, तो ही आपका जो सैलरी है जो स्टाइपेंड है आपके बैंक अकाउंट में आ पाएगा, नहीं तो फिर आपको वो देखने को नहीं मिलेगा आपके बैंक अकाउंट में, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी ये जो नोटिस है मैं आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां पे जितने छात्र कनेक्ट नहीं है ज्वाइन हो जाएगा, ताकि इसी तरह लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।